चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। और जो ये कहता है ना, इसको पाकिस्तान भेज देंगे, उसको पाकिस्तान भेज देंगे, उसको बेगूसराय की जनता गंगा के उस पार भेजने वाली। चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। हम अभी बिहार की बेगूसराय सीट पर, लोकसभा सीट पर है, और गुजरात के स्वतंत्र विधायक जिग्नेश मेवानी जी यहाँ कई दिनों से कन्हैया कुमार के चुनाव प्रचार के लिए आए हुए हैं। जिग्नेश, आपको 2 हफ्ते हो गए हैं यहाँ पर, या शायद उससे भी ज़्यादा। क्यों आपको ज़रूरी लगता है, आप क्यों यहाँ पर आए हैं कन्हैया के लिए कैंपेन करने के, इतनी मेहनत कर रहे हैं? हम जब चुनाव लड़े गुजरात की वड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी से, तब भी पूरे देश से लोग आए थे। तो क्यों आए थे? तो कुछ उम्मीद हम पर नजर आई थी। ये वो लोग हैं जो ईमानदारी के साथ इस मुल्क की गरीब, मजदूर, मजलूम जनता की आवाज बने हैं। यही कारण से मेरे समर्थन में लोग आए थे, और यही कारण कन्हैया के समर्थन में मुझे यहाँ लेकर आया है। केवल कन्हैया की बात पॉपुलैरिटी और आर्टिकुलेशन का नहीं, हम लोग सब पूरे देश की परिस्थिति देखे तो बहुत ही डिप्रेसिंग सिचुएशन है। फांसीवाद का ऑनस्लोट 5 साल में हमने जो झेला है, उसकी मार हम सब ने खाई है। राइट ऑफ, जिसको राइज ऑफ राइट कहेंगे, वो अक्रॉस द वर्ल्ड हुआ है। लेकिन पूरी दुनिया में लड़ने वाले लोग यदि उम्मीद खो बैठेंगे तो फिर तो आगे का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। तो कन्हैया उस उम्मीद का प्रतीक है जो सारे संघर्षों की बात करता है, चाहे किसान की बात हो, मजदूर की हो, गरीब की हो, मुस्लिम की, दलित की, आदिवासी की, माइनॉरिटीज की, सबकी बात करने वाला वो आदमी है। जात पात धर्म से बियॉन्ड उसकी अपील है। मैं मेरी खुद की बात करूं तो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा ओवर एग्रेसिव हो जाता हूं। नहीं निकल जाए, निकलनी चाहिए ऐसी भी 2 बात मेरे मुँह से निकल जाती है नेशनल मीडिया के सामने भी। कन्हैया बहुत ही कूल कस्टमर है, बहुत ही संयमित है, बहुत मीठी वाणी बोलता है, सीधा दिल को छूता है। तो उसके चलते उसकी एक मास अपील बनी है, जेन्यून आदमी है, सारे गरीब वर्गों की बात सड़क पर भी रखेगा, संघर्षों के दौरान पार्लियामेंट भी रखेगा। अभी मेरी आंख के सामने उसका घर है। मैं सोचता हूँ इस मुल्क के लोकतंत्र ने गरीबों को बहुत न्याय नहीं दिया, लेकिन जैसा भी है इस लोकतंत्र की जीत होगी यदि इस करोड़पति अरबपति 5-स्टार होटल में रुकने वाले, लंबी लंबी गाड़ियों में घूमने वाले गिरिराज के सामने इस आंगनवाड़ी की सेविका के लड़के की जीत हो जाए, तो जैसी भी है हमारी डेमोक्रेसी की जीत होगी। मैं चाहता हूँ कि बेगूसराय में, बिहार में, इस मुल्क में लोकतंत्र की जीत हो, इसीलिए कन्हैया के समर्थन में आया। मुझे उम्मीद है कि जो जात पात से ऊपर उठकर अब तक वो बात करते आया है, यही पूरा जीवन वो राजनीति करेगा, हमेशा वो यही बात करेगा, उस बात का मुझे गारंटी है, इसलिए उसके समर्थन में आया। ये बड़ा सवाल है, और आप जो बोल रहे हैं कि जात पात से ऊपर उठ के, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी राज में बहुत सारे तबकों पर जो महसूस करते हैं कि उनके ऊपर शोषण हुआ है, उसके खिलाफ जो एक प्रतिरोध भी हुआ है, वो शायद समाज के सबसे पिछड़े तबकों से हुआ है, चाहे वो दलित हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे मजदूर हों, चाहे किसान हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, चाहे छात्र हों, कन्हैया खुद उस तबके से आता है, यहाँ से आए हैं। और कन्हैया, जैसे आपने कहा कि एक आंगनवाड़ी पर, एक उसकी माँ एक आंगनवाड़ी वर्कर है, उसी उसके बारे में कई बार आया, उसी आमदन से ही ये बच्चे बड़े हुए हैं इस घर के, आप खुद दलित समाज से आते हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाला ये जो दौर है, इसमें ये जो प्रतिरोध की आवाज़ें होंगी, ये यही जो शोषित तबके हैं वहीं से ही आएंगे? बिल्कुल निर्विवाद तौर पे यहीं से आने चाहिए। जिसने सबसे ज़्यादा झेला है वही सबसे ज़्यादा लड़ेगा, वही सबसे ज़्यादा संघर्ष करेगा। तो उसी की बात करने वाले लोग भी पार्लियामेंट और असेंबली में जाए ना, और हम वो लोग हैं, चाहे कन्हैया हो, मैं हूँ, उस क्लैरिटी के साथ हम पार्लियामेंट में जाएंगे कि वहाँ गए तो कोई बहुत बड़ा क्रांति हो जाएगा। उस गलतफहमी में हम न थे न है, लेकिन वहां पर मजबूती से सारे गरीब, वंचित, शोषित तबकों की बात रखना जरूरी है, और साथ साथ सड़क की लड़ाई लड़ना भी जरूरी है। तो ये दोनों का मेल हो, वो करने के लिए हम आए हैं। वड़गाम से मैं जहाँ चुनाव जीता, तो केवल चुनावी राजनीति के दलदल में या चक्कर में मैंने खुद को एंटेंगल नहीं कर दिया है, सड़क की लड़ाई ही मेरी प्रायोरिटी है।
वही कन्हैया के केस में भी होगा। दूसरा कि न केवल भारत में, दुनिया के भी किसी कोने में, आप चाहे सिनेमा में हो, पेंटिंग के फील्ड में हो, एक्सकेवेशन कर रहे हो, आर्कियोलॉजिस्ट हो, आप कुछ भी हो, नया करने की चाहत किसको होगी? युवा वर्ग को ही होगी। युवा वर्ग का पॉलिटिक्स में आना बेहद ज़रूरी है, ये सालों से दशकों से सुनते आए हैं। तो कन्हैया तो इन सबकी आवाज़ है, सारे मूवमेंट के लोग कन्हैया की बात के साथ खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। जिग्नेश, एक चीज़ है कि आप ऊना में जब हम अत्याचार हुआ था दलितों पर वहाँ पर, उसके बाद जो एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, आप कहीं ना कहीं उस आंदोलन का चेहरा बने, आप उसका नेतृत्व किया। उसके अलावा भी आपने मुद्दे ज़रूर उठाए हैं, लेकिन दलित आंदोलन से कहीं ना कहीं आपका चेहरा जो है या आपकी पहचान जो है, कहीं ना कहीं लोग मानते हैं कि दलित आंदोलन से है। और उसमें मैं एक छोटी सी मेरी बात ख़त्म कर दूँ मैं, और कन्हैया जो है वो उस जाति से है, भूमिहार जाति से, जो दरअसल जिसके ऊपर अक्सर कन्हैया भूमिहार जाति से नहीं है, कन्हैया किसी जाति से ही नहीं है। मुझे पक्का यकीन है, मेरे अस्तित्व के एक एक एटम को मालूम है कि उसने अप्लाई किया ही नहीं है किस जाति में मुझे पैदा करो। तो जब उसने पैदा अप्लाई नहीं किया है तो बायोलॉजिकल एक एक्सीडेंट है। मेरा कसूर है कि मैं दलित के घर पैदा हुआ, नहीं है ना? तो उस प्रकार से उसका भी कसूर नहीं है। सवाल यह है कि एक्स या वाई, क्या जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मिनिकल माइंडसेट, मेंटालिटी, विचारधारा से लेस है? क्या उसकी वाणी, उसका विचार, उसका वर्तन, उसकी कंडक्ट, उसकी भाषा कास्टिस्ट है? यदि नहीं है तो फिर वो कहीं भी पैदा हुआ, हाउ डज इट मैटर टू मी? जैसे चमार और बनकर समुदाय के बहुत से लोग आज भी वाल्मीकि के घर खाना नहीं खाते, तो ये तो दलितों के अंदर का ब्राह्मणवाद है। तो हमारा प्रॉब्लम ब्राह्मणवाद से है। 25 बार कह चुका हूँ, किसी एक जो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ या किसी बनिए के घर पैदा हुआ, सिर्फ उसी कारण वो ब्राह्मण निकल हो जाता है, ऐसा नहीं है। वो ब्राह्मण या बनिए के घर पैदा होने से ही ब्राह्मण निकल हो जाता है, ऐसा मानना ब्राह्मणवाद है। तो आप कह रहे हैं कि कहाँ पैदा हुए ये जरूरी नहीं है, अपनी जिंदगी के साथ आप कर कह रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, उसका मतलब ये नहीं कि भारत में जाति नहीं है, भारत में जाति है, जाति व्यवस्था से लड़ना है, उसको खत्म ही करना है, दो राय नहीं है। लेकिन जो इस लड़ाई में आपके समर्थक हो सकते हैं उनको सिर्फ उस ग्राउंड पे आप रिजेक्ट करेंगे कि वो दलित के घर में पैदा नहीं हुआ, तब तो उसका मतलब ये हुआ कि फिर तो भगत सिंह को भी अछूत का सवाल ये निबंध नहीं लिखना चाहिए था। बिल्कुल, जितने लोग इस मुल्क में 14 अप्रैल के दिन मुझे इनवाइट करते हैं अंबेडकर जयंती मनाने के लिए, उतना ही लोग उसको भी इनवाइट करते हैं। जितने लोग 23 मार्च को भगत सिंह के शहादत के दिन को सेलिब्रेट करने, उसके दिन कोई इवेंट रखा है, फंक्शन रखा है, वहां बात रखने के लिए मुझको बुलाते हैं, उतना उसको भी बुलाते हैं। तो इस बात को तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। आखिरकार जिग्नेश, आप यहाँ कई दिन घूमे हैं, आपको अभी तक क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या लोगों को देखने को मिल रहा है? कन्हैया का जहाँ तक सवाल है, वो लोगों के दिल को छू गया है। अब कुछ भी हो परिणाम, जनता के दिल में यदि कोई है तो वो कन्हैया कुमार है। ये बड़ी चीज़ आपने बोली कि कुछ भी हो परिणाम, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का तो एक पर्टिकुलर ग्रामर है जो आपके हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, तो हम वो क्रैक न कर पाए तो उसका मतलब ये नहीं कि हम जनता के दिल में नहीं, और हम वो क्रैक कर पाए कोई आदमी तो और भी अच्छा, मतलब ये नहीं कि जनता उसे बहुत पसंद करती है, वो भी एक उसका भी एक ग्रामर है। लेकिन कन्हैया के केस में ऐसा है कि लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। ये जो नारा है ना कि इस बार नेता को नहीं बेटा को चुनना है, ये जनता में से निकल कर आया है। ये बहुत ऑर्गेनिकली ये नारा लोगों के दिल में से इमर्ज हुआ है। मतलब वो निकले तो बहनों को, माताओं को अपने आप उनका हाथ कन्हैया के सर पे चला जाता है। आखिरी में मतलब कि एक तरफ गिरिराज सिंह हैं जिन्होंने ये बोला कि जो मोदी का विरोध करते हैं वो पाकिस्तान चले जाए, वो राष्ट्रभक्त और राष्ट्रद्रोही का जो एक इस किस्म का जो इन्होंने एक बाइनरी बनाया हुआ है, और उसी का ही सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगा कन्हैया पर, जिसकी वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा। ये एक्चुअली एक बहुत मज़ेदार, मेरे ख्याल से विचारधाराओं का भी क्लैश है कि सही मायने में राष्ट्र प्रेम क्या है और सही मायने में
राष्ट्र प्रेम के नाम पर खिलवाड़ क्या है? क्या आपको लगता है कि ये भी एक कन्हैया को इस वक्त जो इनक्रेडिबल ट्रिमेंडस सपोर्ट मिल रहा है उस बात को प्रस्तापित करता है कि ये जो नॉनसेंस उसको लेकर फैलाया गया वो यहाँ पर चला नहीं है। आज उसके वीडियो क्लिप को 5, 7, 8, 10, 12 लाख लोग देख रहे और ऐसे अनगिनत उसके वीडियो क्लिप्स अवेलेबल है। ये जो उसका रीच है वो भी इस बात को दिखाता है कि कुछ चैनलों ने उसके खिलाफ भाजपा की दुकान को चलाने के लिए जो प्रोपेगेंडा किया वो क्लिक हुआ उतना नहीं। हाँ, एक तबका है जो वो सब बोलता रहेगा, वो जो 200-200 रुपये देकर बोलते हैं ना मोदी मोदी, वो उस टाइप का तबका है, उससे क्या फर्क पड़ता है। और जो ये कहता है ना इसको पाकिस्तान भेज देंगे, उसको पाकिस्तान भेज देंगे, उसको बेगूसराय की जनता गंगा के उस पार भेजने वाली है। चलिए, ये है जिग्नेश मेवानी का दावा कि इस बार जो लोग राष्ट्रभक्ति के नाम पर दरअसल लोगों को ठग रहे हैं, इस बार बेगूसराय की जनता उनको गंगा पार भेजने वाली है। जुड़े रहें चलचित्र अभियान के साथ, लाते रहेंगे हम आपको 2019 की चुनाव की खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया।